हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मेरी किचन। मैं हूं नेहा। आज हम बनाएंगे इंग्लिश नाश्ता। तो आइए से हमारा स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगता है, तो आइए से हम स्टार्ट करेंगे। मैं लिया यहाँ पे एक पैन, गैस का फ्लेम हम ऑन कर देते हैं। पैन को हम गर्म कर लेंगे। पैन हमारा गर्म हो चुका है, डाल देंगे यहाँ पे वाइट फ्लेम बटर। तो मैं यूज कर रही हूँ सनफ्लावर ऑयल। डालते हैं यहाँ पे हम ऑयल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, डाल देते हैं कटी हुई सब्जियां। तो मैं लिया है यहाँ पे थोड़े से गाजर, थोड़े से बेबी कॉर्न इस तरह लंबाई में कटे हुए, ब्रोकली और शिमला मिर्च। हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। डाल देंगे इसमें हम नमक, साथ ही डाल देंगे इसमें थोड़े से पनीर और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। हमें सब्जी को बहुत ही पकाना है, हमें इसे बस 2 से 3 मिनट के लिए ही पकाना है। तो हमारी सब्जियां फ्राई हो गई है, इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। स्प्रिंकल कर लें थोड़ी इसमें हम काली मिर्च। तो मैंने वापस ले लिया है पैन, डाल दिया इसमें 1 चम्मच तेल। तेल हमारा गर्म हो गया है, डाल देंगे इसमें हम अंडे। डाल देंगे इसमें हम थोड़ा सा नमक, साथ ही डाल देंगे इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। हमारा सनी साइड अप तैयार है, फिर हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। मैंने डाल दिया है यहाँ पे बटर। तो मैंने यहाँ पैन डाल दिया है थोड़ा सा बटर। अब लेंगे हम यहाँ पे एक ब्रेड, तो इसे हमें अच्छे से टोस्ट करना है। आप चाहते हैं टोस्टर यूज कर सकते हैं, पर मैं ऐसे पैन में कर रही हूँ। तो हमारा ब्रेड अच्छे से सिक गया, निकाल लेंगे इसे हम। तो मैंने इसे एक प्लेट पर निकाल लिया है, आप सकते हैं ले लेंगे यहाँ पे हम 1 ग्लास दूध। आप चाहे तो यहाँ पे 1 ग्लास जूस भी ले सकते हैं। मेरी रेसिपी बहुत ही इजी है, इसे हर कोई बनाए खा सकता है। वेट लूज कर रहे हैं तो आप ये रेसिपी आराम बनाए खा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम मेरी रेसिपी साथ। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।